हेलो नमस्कार, मेरा नाम आकाश यादव है और मैं यूट्यूब पे अपनी किडनी फेलियर जर्नी से लेकर रिलेटेड वीडियो बनाता हूँ, जिसमें बताता हूँ कि कैसे मेरी डायलिसिस बंद हुई, कैसे मेरा CKD हुआ, क्रॉनिक किडनी डिजीज़ हुआ और उस फिर मेरी डायलिसिस चलने लगी। मेरी कम से कम 8 महीने तक डायलिसिस चली, उसके बाद में मैंने दवाइयाँ कौन सी ली जिसकी वजह से मेरी डायलिसिस बंद हो गई। एक साल से ज़्यादा मेरी डायलिसिस बंद हो चुकी है। जो मेरे पिछले जो मेरे सब्सक्राइबर हैं, पहले मेरी वीडियो देख चुके हैं, उनको पता होगा, ये सब मैंने सारे वीडियोज़ में बता चुका हूं। तो इसमें मैं आप ही के क्वेश्चन लेकर आया हूं, जो आप जब मैं वीडियो बनाता हूं तो उस पर आप पूछने की कौन कौन ये सारे क्वेश्चन, ताकि कोई परेशानी ना रहे, कोई झिझक ना रहे इसके बारे में कि ये चीज़ नहीं पता, ये नहीं पता। सबसे पहले यही क्वेश्चन होता है कि मैं कहाँ रहता हूँ, तो मैं ज़्यादा नहीं बताऊँगा, मैं बताऊँगा कि मैं UP में रहता हूँ, मैं दवाई बरेली से लेता हूँ। उसका पूरा इन्फॉर्मेशन कि मैं कहाँ से लेता हूँ, कौन से डॉक्टर हैं और कितने की दवाइयाँ लेता हूँ, उस सब का वीडियो मैं पहले बना चुका हूँ, तो उसका लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो वहाँ से जाकर डायरेक्ट आप उसके बारे में भी पता कर सकते हैं। जो जो दवाइयाँ हैं उसकी भी वीडियो मैंने बनाई हुई है, वो भी लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, उसके बारे में भी आप जाकर देख सकते हैं। मैंने फुल लेंथ वीडियो बनाया है, छोटा छोटा वीडियो नहीं बनाया, पूरा फुल लेंथ वीडियो बनाया है डॉक्टर के बारे में, कहाँ पर उनकी क्लिनिक है, कितने की दवाइयाँ देते हैं, वैसे तो वेरी करती है सबके अलग अलग दवाइयाँ, इसके बारे में बताया है। और उसके साथ उनके क्लिनिक का जो नंबर है वो भी मैंने दिया हुआ है उस वीडियो में, तो आप जाके वहाँ पे जाके देख सकते हैं उसमें। दूसरा भी कई लोग कहते हैं कि मतलब मैंने एक वीडियो डाला था जिसमें लोग कहते हैं कि मुझे विश्वास नहीं, मतलब हमें विश्वास नहीं है इस पे कि आयुर्वेद कभी इस चीज़ का इलाज कर सकता है, क्योंकि इसका कोई इलाज नहीं है। तो मैं ना ही कहता हूँ कि हाँ ये कर सकता है, ना ही मैं कहता हूँ नहीं कर सकता है, क्योंकि मुझे भी पहले विश्वास नहीं था कि इसे किसी की डायलिसिस या उस डायलिसिस बन सकती है, या किसी का सही हो सकता है ये। मेरी अभी लेटेस्ट रिपोर्ट मैंने कराई है, आप फिर से वीडियो जाके देख सकते हैं, उसमें बताया गया है कि मेरी जो किडनी की साइज़ है वो नॉर्मल हो चुकी है, क्रिएटिनिन बस और क्रिएटिनिन और यूरिया से बढ़ा रहता है और साइज़ नॉर्मल हो चुकी है, और बाकी जो जो होता है फॉस्फोरस और बाकी सारे चीज़ें सोडियम, ये सब मेरा नॉर्मल रहता है और उसकी किडनी की साइज़ भी सही हो चुकी है। तो मैं सिर्फ सही बताता हूँ कि मेरे साथ हो क्या रहा है, इसमें मैं नहीं बताता कि सही कर सकता है नहीं कर सकता है। आपको विश्वास करना है तो आप कर सकते हैं, अगर आपको नहीं विश्वास करना है तो आप नहीं कर सकते हैं। मैं ज़बरदस्ती किसी को कह भी नहीं सकता कि आप इस पर विश्वास करिए। और इसका वीडियो मैं, जो मेरी रिपोर्ट आई है लेटेस्ट, उसका वीडियो भी मैं डाल चुका हूँ, आप मेरे चैनल पर जाकर वो वीडियो देख सकते हैं। हमने काफ़ी सारे वीडियोज़ डाले हैं, मैंने अपना फर्स्ट डायलिसिस से लेकर आज तक जो भी मैंने किया है अपने किडनी फेलियर जर्नी में, वो सारी वीडियो मैंने उसके बारे में सब कुछ डाला हुआ है। कई लोग कहते हैं कि मैं आपको नंबर दे दूं, तो पहली बार मेरे पास एक ही नंबर है और मैं अगर वो नंबर दे दूंगा तो बार बार उस पर फ़ोन आया करेंगे, कॉल आया करेंगे, तो वो सही नहीं होगा मेरे लिए, इसलिए मैं नंबर नहीं दे रहा हूँ। जो भी इन्फॉर्मेशन अगर आपको चाहिए आप कमेंट में पूछा करिए, मैं वो सारी इन्फॉर्मेशन मैं या तो कमेंट में ही बता दूंगा, अगर नहीं बता पाऊंगा तो नेक्स्ट वीडियो बनाकर उन सबका जवाब दे दूंगा। एक अभी जल्दी मैंने वीडियो बनाई है जिसमें मैंने बताया था कि एक टेस्टी ब्रेकफास्ट कैसे बना सकते हैं, तो उसमें एक लोग ने कमेंट किया कि अभी तक मुझे थोड़ा बहुत विश्वास होने लगा था, लेकिन अब विश्वास नहीं हो रहा है क्योंकि आयुर्वेद वाले एकदम रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं चाय पानी और सब कुछ, तो ऐसा कुछ नहीं है। मैंने डाइट का भी वीडियो बनाया हुआ है कि मेरी डाइट क्या है, पूरा मैंने डायरी दिखाई हुई है, डाइट चार्ट दिखाया हुआ है, उसमें लिखा हुआ है कि आप चाय पी सकते हैं, आप पोहा खा सकते हैं, तभी मैं खाता हूँ, मैं ऐसे ही नहीं खाता हूँ। तो अगर आप वो वीडियो भी देखना चाहते हैं या फिर जिसने ये कमेंट किया अगर वो वीडियो देख रहा है तो प्लीज़ आप जाके मेरे पुराने वीडियो देखिए जिसमें मैंने अपनी डाइट चार्ट के बारे में बताया हुआ है, जिससे क्योंकि मैं दवाइयाँ और डाइट चार्ट एक साथ लेता हूँ, तो वो डाइट चार्ट भी आप देख सकते हैं जिसमें लिखा हुआ है कि आप पोहा खा सकते हैं, चाय भी पी सकते हैं, एक टाइम पी सकते हैं। तो मैं चाय पीता हूँ और मेरे चाय में क्योंकि रिस्ट्रिक्शन होती है चाय पत्ती की, दूध की रिस्ट्रिक्शन नहीं होती है क्योंकि मुझे दूध और पीने को कहा गया है, तो मैं उसमें चाय पत्ती भी एकदम थोड़ा सा डालता हूँ, इसलिए मुझे कोई दिक्कत नहीं होती है और इसीलिए मैं आगे वीडियो फिर से नहीं बनाया किसी ऐसे चीज़ पर कि कुछ आपके लिए मैं अच्छा खाने का चीज़, क्योंकि जो डायलिसिस कराते हैं उनको अच्छा खाने को नहीं मिलता, ऐसे ही कुछ खाने को मतलब डाइट के हिसाब से खाने को मिलता है, लेकिन मेरी डाइट में अच्छी अच्छी चीज़ें लिखी हुई हैं जो आप खा सकते हैं, तो इसीलिए मैंने कोई वीडियो नहीं बनाया क्योंकि आप लोग आगे कमेंट कर देते हैं कि ये गलत कह रहे हैं, ऐसा हो ही नहीं सकता, आयुर्वेद में ऐसा मना किया गया है। तो अगर आप चाहते हैं तो मैं फिर से बनाना शुरू करूँगा वो वीडियो कि कैसे टेस्टी ब्रेकफास्ट डिनर और लंच आप बना सकते हैं जो आपको अच्छा भी लगे और आपका इससे क्रिएटिनिन और यूरिया और कोई भी लेवल्स बढ़े ना। एक और लोग बार बार पूछते हैं कि उसका डॉक्टर का नंबर दो, तो मैंने डॉक्टर से पूछा था तो डॉक्टर नहीं कह रहे हैं कि वो नंबर नहीं देना चाहते, तो मैं ज़बरदस्ती उनका नंबर नहीं, बिना उनसे पूछे उनका नंबर नहीं दे सकता आखिर, और इसीलिए उन्होंने अपना नंबर अपने डायरी पे नहीं दिया हुआ है किसी वजह से, तभी तो उन्होंने दूसरे नंबर दिए, उनके क्लिनिक का नंबर है। आप अगर वो जो नंबर जो मैंने अभी वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक डालूंगा उसमें उनके क्लिनिक का नंबर है, बस उनका पर्सनल नंबर नहीं है, वो पर्सनल नंबर नहीं दे रहे थे, मैंने उनसे बात की थी, इसलिए आप उनसे पर्सनल नंबर मत मांगा करिए।
एक और क्वेश्चन रहता है कि इन सब दवाइयों का कॉस्ट कितना होता है, तो सभी चीज़ों के लिए कॉस्ट वेरी करता है कि जिस हिसाब से वो दवाइयाँ देंगे उस हिसाब से आपका कॉस्ट वेरी करता है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ एक तरीके की दवाइयाँ नहीं होती, कई तरीके की दवाइयाँ होती हैं यहाँ पे, किडनी फेलियर, लीवर और किडनी और कैंसर से संबंधित दवाइयाँ होती हैं, तो हर चीज़ का और हर हिसाब से अगर आपको स्टोन है या फिर वो आपको देखेंगे ना कि आपको क्या दिक्कत है, किडनी फेलियर है क्या, एक्यूट किडनी डिजीज़ है, उसके हिसाब से आपको उसका कॉस्ट बताते हैं। एक क्वेश्चन और भी रहता है कि आप पानी कितना पी सकते हो, तो वैसे तो मैं कुछ रिस्ट्रिक्शन करता ही नहीं हूँ, जितना मन गया उतना मैं पानी पीता हूँ, क्योंकि मुझे यूरिन हो जाती है, पूरी फुल यूरिन होती है, मैं कभी कदार तो एक लीटर दो लीटर एक लीटर एक ही बार में पी जाता हूँ जब मुझे प्यास लगती है, लेकिन डॉक्टर ने मुझे कहा है कि आप दो लीटर तीन लीटर कान में पी सकते हैं पानी एक दिन में, लेकिन मैं चार पाँच लीटर तो पी जाता हूँ, क्योंकि मुझे प्यास बर्दाश्त नहीं होती है, तो मुझे तो कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन अगर आप दवाई लें तो अगर डॉक्टर कह रहे हैं तो आप वैसे फॉलो करें, क्योंकि मुझे पानी ना पिए जाता, तो प्लीज़ आप पानी ना पिए। एक क्वेश्चन आता है कि आप इस समय मतलब लोग पूछते हैं मेरे बारे में कि इस समय मेरी सिचुएशन क्या है, तो मेरी इस समय सिचुएशन बिल्कुल नॉर्मल है, मैं अभी मामा के घर होकर आया हूँ और उनके घर भी रहता था, डाइट फॉलो करता था पर मैं उनके घर रहता था, मुझे खाने पीने में कोई दिक्कत नहीं होती, चलने उठने में कोई दिक्कत नहीं होती, तो पहले भी नहीं होती थी, अभी भी मैं एकदम जैसे मैं पहले था वैसे मैं हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं हो रही है, अब भी फिलहाल मुझे बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं हुई है, और जब से मैं दवाई खाया तब से मुझे कोई मतलब जब से मेरी डायलिसिस बंद हुई है तब से मुझे कोई अभी दिक्कत नहीं हुई है, अगर होगी तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। हाँ, तो ये थे कुछ क्वेश्चन जो आपने मुझसे पूछे थे, तो इसके जवाब मैंने दे दिए हैं, अगर आपको कोई और क्वेश्चन चाहिए, वैसे तो मैंने सारी चीज़ों के वीडियो मैंने बना के दे दिए हैं, अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन आए तो सबसे पहले आप मेरे चैनल पर जाइए और वहाँ पे देखिए, अगर वहाँ पे वीडियो ना मिले तो फिर कमेंट में पूछिए, और अगर कमेंट में फिर मैं कमेंट में ही जवाब दे दूँगा, अगर नहीं दे पाया, अगर मुझे लगा कि कमेंट में जवाब देने लायक नहीं है, इसको वीडियो बना के देने लायक है, तो मैं वीडियो बना के दूंगा, और प्लीज़ आप नंबर मत मांगिए, मैं नंबर नहीं दे सकता, दूंगा पर समय आने पर मैं नंबर दूंगा जब मैं कोई दूसरा सिम कार्ड लूँगा जो जिसको मैं अगर ना भी चलाऊं तो भी कोई दिक्कत ना हो, तो मैं आपको नंबर दूंगा ताकि उसको मैं एक पर्टिकुलर टाइम के लिए ही चलाऊं, जब मैं आपको वो टाइम दे दूं कि इतने बजे आप फ़ोन कर सकते हैं, लेकिन ये जो नंबर है ये मेरा हमेशा चलता रहता है, तो इसको मैं बंद नहीं कर सकता, इसीलिए मैं नंबर नहीं दे सकता। तो अगर आप लोग में से कई लोग नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, अगर आपको ये प्रॉब्लम हो या आपके किसी रिलेटिव में किसी को भी प्रॉब्लम हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, उससे रिलेटेड आप वीडियो देखिए, उसको समझाइए, उसको भी दिखाइए, और एक बार खुद जाकर डॉक्टर के पास जाँच पड़ताल कर लीजिए, फिर आप दवाइयाँ लीजिए।